आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में, और हम खड़े हैं डीजल सेट के प्रांगण में। आप हमारे साथ अंदर चलिए और अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं यहाँ के तमाम फुटेज। आज जो यहाँ पे हो रहा है फर्स्ट इनोग्रेशन जो है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आइए उसी से जुड़ा हुआ तमाम यहाँ पे DRM कटिहार से आए हुए हैं और क्या क्या यहाँ व्यवस्था है, क्या क्या हो रहा है, उन सभी चीज़ों पे आपका मैं ध्यान आकर्षित करवाऊंगा। तो आप सबका दिन शुभ हो, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये कथा क्या रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर स्वर, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। हाँ सर, आज जो ये लोकोमोटिव स्टार्ट हुआ, इसके रेलवे का विकास माननीय रेल मंत्री के नेतृत्व में चारों तरफ हो रहा है। प्रधानमंत्री की भी विशेष दृष्टि रेलवे के विकास पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप सभी जानते हैं जी। और इसमें NFR जो कि पहले पिछड़े हुए इलाकों में आता था, उसमें भी रेल का विकास चार दिन दूनी चार चौगुनी से किया जा रहा है। और NFR के रेलवे के विकास के लिए जितने धन मुहैया कराया जा रहा था, वो केंद्र सरकार के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसी क्षेत्र में पहला प्रयास था एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस क्षेत्र में आना। इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो चुका है, करीब करीब समाप्ति की ओर ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव खास करके मेल एक्सप्रेस लोकोमोटिव यहाँ पे होमिंग, यहाँ पे जितने भी सेट थे नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे उसमें नहीं थे। तो आप, ये पहला इलेक्ट्रिक मेल एक्सप्रेस लोकोमोटिव आया है और इसको हम लोग परिचालन के लिए व्यवस्था कर चुके हैं और इसका मेंटेनेंस की भी जो व्यवस्था थी सारी यहाँ पे हो चुकी है। तो आगे आने वाले समय में NFR से चलने वाली जितने भी ट्रेनें हैं उसको हम अपने लोकोमोटिव के साथ चला सकेंगे, ऐसा सभी का विश्वास है और सभी का प्रयास भी है। ये पहला लोकोमोटिव है जो NFR के तहत है इलेक्ट्रिक, तो इसका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं, मेल एक्सप्रेस लोकोमोटिव वो पहला है जी। इसके पहले जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला करते थे उनको लोकोमोटिव दूसरे जोन के, दूसरे जोनल रेलवे के जो सेट थे उनके उनके लिंक में थे। तो हमारे यहाँ ये पहला लोको आया है, इसके बाद से उत्तरोत्तर और ज़्यादा चलता जाएगा, जितने NFR से ओरिजिनेट होने वाले ट्रेन है उसको हम अपने लिंक पे ले सकेंगे। सर, इसको किस ट्रेन में लगाया जाएगा? अभी ये तो नया लोको आया, अभी जो छोटे मोटे पैसेंजर ट्रेन जो है उसमें अभी चलेगा। एक बार जब फिट चलने के लायक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर किसी मेल एक्सप्रेस में लगाया जाएगा इसको। कितना अभी बॉगी लगाया जाएगा फर्स्ट टाइम? अभी जो लोकल लेवल पर जो पैसेंजर ट्रेन चला करते हैं, जैसे सिलीगुड़ी से जलपाईगुड़ी हो गया या सिलीगुड़ी से मालदा हो गया या सिलीगुड़ी से कटिहार हो गया, इस टाइप के ट्रेनों में लगेगा ये। उसके बाद जब वैलिडेट हो जाएगा, इंजन का परफॉर्मेंस सही पाया जाएगा, तो फिर जो यहाँ से मेल एक्सप्रेस कोई ट्रेन ओरिजिनेट होते हैं उसमें इसको लगाया जाएगा। सर, कल कटिहार से एक आस्था ट्रेन का शुरुआत क्षेत्र में, और किस किस स्टेशनों से या किस क्षेत्र से आस्था ट्रेन चलाने की योजना? पूरे NFR से 13 आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने को का प्रयास है, और करीब करीब जितने डिवीजन है तो आसाम क्षेत्र हो या हर राज्य से चलाने की व्यवस्था है। न्यू जलपाईगुड़ी से कोई ट्रेन? न्यू जलपाईगुड़ी से डिमांड आया है 8 तारीख को एक चलाने के लिए, तो उसके विषय पे बात हो रही है। तो
क्या सुविधा मिलेगा यहाँ? होपफुली जो है 8 तारीख को यहाँ से चलेगी। 8 तारीख से क्या सुविधा होगा? इस जो आस्था स्पेशल ट्रेन जो है वो राम, दिस इज रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रिक लोको, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। जैसे क्या इलेक्ट्रिक, अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत भारतीय रेलवे का करीब करीब इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो उस पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी चलना है। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलने से जो फॉसिल फ्यूल है उसकी बचत होती है, और जो उसके कारण जो पोल्यूशन या जो भी कहा जाता है उस पर रोक लगेगी। और पैसेंजर लोकोमोटिव जो है पूरे इंडिया में वही चल रहा है, तो उसको चलाने में एक स्टैंडर्ड्स रहेगा जिसके कारण सुविधा होगी। इसको NF रेलवे के इतिहास में पहली बार यहाँ से मूव किया है, और ये एक हमारे जोन में, गुवाहाटी जोन में एक ऐतिहासिक कदम। तो आज के समय में आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? जिस प्रकार से भारत विकसित हो रहा है उसके लिए ये जो लोगों का इमिग्रेशन हुआ है एक मील का पत्थर है भारत के इतिहास में आने वाले समय के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि ये थोड़ा विलंब हो गया, ये और पहले होना चाहिए था? नहीं, होना चाहिए था। भारत में बहुत सारी जोने हैं, सारे जोन में इलेक्ट्रिफिकेशन धीरे धीरे हो रहा है, उसी माध्यम से यहाँ भी हुआ है और बहुत सारी कामें बाकी है। और भारत का, भारत सरकार का जो ये कदम है कि पूरे ऑल इंडिया में यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, तो चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है, उसी अनुसार से यहाँ का भी विकास हो रहा है। संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को एक बार बताइए आप, इससे आने वाला समय में दूरगामी देश का उन्नति के दृष्टिकोण से और पैसेंजर के दृष्टिकोण से क्या लाभ मिलने वाला है उन्हें? सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक लोको में मेंटेनेंस कम है और डीजल का खपत कम है, यानी कि इलेक्ट्रिक लोको में डीजल का यूज नहीं होता है। और डीजल इंजन में है क्या कि उससे पोल्यूशन होता है, इसमें पोल्यूशन है ही नहीं वो जी, और पोल्यूशन है ही नहीं जी। इसी माध्यम से ये बहुत उचित है, खपत कम है उसका जी, इलेक्ट्रिक भी कम है, क्योंकि पावर चलाने के बाद उसको शट डाउन कर दिया जाता है। तो ये आगे आने वाला समय में देश के लिए बहुत ही अच्छा एक पहल है जी जी जी। और ये कब से होना प्रारंभ हुआ इसके बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ से तो इस जोन में तो आज पहली लोग को निकला है। एक बार आप अपना पद क्या किस कार्यभार में आप हैं? हाँ, मैं संतोष कुमार राम, डीजल लोको सेल असिस्टेंट।